करते हैं तो हम किससे बात करते हैं, हम किससे बात करते हैं, हम उनके औहदे से बात करते हैं, हम उम्र के हिसाब से बात करते हैं, हम उनकी पढ़ाई उसके हिसाब से बात करते हैं। मैं आत्मा आत्मा से बात करते हूँ तो बिल्कुल तरीका ही बदल जाएगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप अभी यहाँ से 8 बजे उठेंगे, अपने अपने गाड़ी स्कूटर लेंगे और किसी के ऑफिस में जाएंगे। आपकी कोई अपॉइंटमेंट है वहाँ, सिर्फ इसको सामने लेकर आना। दृश्य एक बड़ी सी बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें जो सबसे ऊंची मंजिल है उसके ऊपर उस ऑफिस के उस कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं। आप उस कंपनी के ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जो गेट है वहाँ पर एक भैया खड़ा है गेट खोलने के लिए। देखिए उस भैया को एक मिनट, बुद्धि के नेत्र से देखिए उस भैया को जो गेट खोल रहा है। ठीक है, दिख गया? वो आपको देखकर मुस्कुराता है, सलाम भी करता है। आप उसकी तरफ क्या करते हैं? फिर थोड़ा सा अंदर जाइए, ऑफिस की बिल्डिंग में प्रवेश कीजिए। एक बहन वहाँ रिसेप्शन पर खड़ी होगी, वो बहुत मुस्कुराकर आपको नमस्ते करती है, आपका स्वागत करती है। आप उनके साथ कैसे होते हैं? फिर आप पहली मंजिल पर जाइए, वहाँ उस कंपनी का मैनेजर बैठा है। वो आपकी मदद के लिए है, आपसे पूछ रहा है क्या करना है, कौन से काम के लिए आप आए हैं। आप उसके साथ कैसे बात करते हैं? और फिर आप चौथी मंजिल पर जाते हैं जहाँ उस ऑफिस का मालिक बैठा है। आप उसके साथ कैसे बात करते हैं? 5 मिनट में 1 2 3 4। पहले कौन था? गेट पे भैया, फिर था बहन जो रिसेप्शन पे थी, फिर मैनेजर, और फिर था उस ऑफिस का मालिक। हम 4 लोगों से मिले, क्या चारों के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा था? क्या चारों के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा था? हाँ ना? चारों से एक जैसा था या चारों से अलग था? चारों से अलग था। अब अगर चारों से अलग था तो उन चारों व्यवहार में से मेरा ओरिजिनल संस्कार कौन सा था? अगर मेरा व्यवहार 4 बार बदला तो उन चारों में से मेरी नेचर, मेरा व्यक्तित्व, मेरा संस्कार कौन सा वाला था चारों में से? गेट वाला, रिसेप्शन वाला, मैनेजर वाला या चेयरमैन मालिक वाला, कौन सा वाला मेरा निज संस्कार, मेरी नेचर, मेरा स्वभाव था चारों में से? अच्छा, हाथ उठाते, किस किस को लगता है गेट वाला? हाथ उठाओ। अच्छा, किस किस को लगता है रिसेप्शन वाला? किस किस को लगता है मैनेजर वाला? और किस किस को लगता है मालिक वाला? अच्छा, मतलब नंबर 1 और नंबर 4 के लिए ज़्यादा सबने हाथ उठाया। अगर वो मेरा अपना संस्कार होता तो क्या वो 4 बार बदल जाता? 4 बार हम बदले मतलब हम अपने संस्कार से व्यवहार नहीं कर रहे थे, हम किससे बात कर रहे थे? हम किससे बात कर रहे थे? मैं रोल, एक रोल से बात कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड जो भैया वहाँ खड़े थे वो मुस्कुराए, सलाम किया, हमने ध्यान भी नहीं दिया। रिसेप्शन वाले प्यार से मुस्कुराई, बात की, हमने ओम शांति नमस्ते करके निकल गए। मैनेजर के साथ हमने 1-2 लाइन बैठकर बात की, और जब हम ऊपर वाली मंजिल पर गए तो हम ज़रा ज़्यादा ही अच्छे हो गए। ये हम 4 बार इसलिए बदले क्योंकि मैं रोल से बात कर रहा था। अब फिर से एक बार जाइए उस चारों के पास, मैं सोल से बात कर रहा हूँ, रोल से नहीं, आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। अब क्या हम 4 बार बदलेंगे? अब क्या हम 4 बार बदलेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि हम चारों के साथ एक ही तरह से व्यवहार करें? क्या ये पॉसिबल है हम चारों के साथ एक ही तरह से व्यवहार करें? हाँ ना?
क्या यह संभव है? उतना ही सम्मान जो भैया गेट पर है और उतना ही सम्मान जो मालिक है, यहाँ कम और वहाँ बहुत ज़्यादा, चार बार बदलना नहीं है 5 मिनट के अंदर। अगर इतना बदलते जाते, इतना बदलते जाते, इतना बदलते जाते हैं तो अपने निज संस्कार कौन से हैं वो ही नहीं पता कौन से हैं। बताओ किस किस को लगता है हम चारों के साथ एक तरह से व्यवहार कर सकेंगे? बहुत आसान है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। एक तरह से व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार दो तरह से होता है, एक होती है सोच, एक होता है व्यवहार। जो सोच होती है सम्मान उसमें होता है, जो व्यवहार होता है वो रिगार्ड होता है। एक रिस्पेक्ट होती है, एक रिगार्ड होता है। मतलब जो भैया गेट पर है वो हमारे लिए गेट खोलेंगे, वो उनका रोल है, हमें उतर के उनके लिए गेट नहीं खोलना है, वो उनका रोल है। लेकिन हमारा उस आत्मा के प्रति नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारी उसके प्रति सोच, हमारे उसके प्रति मुस्कुराहट, मैं आप और मैं एक बराबर हैं वैसी वाली होगी। आप मुझसे नीचे हो वैसी वाली नहीं होगी। और जब हम चौथी मंजिल पर पहुँचेंगे तो हम उनके लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम रोल को रिगार्ड दे रहे हैं, हम उनके लिए दरवाज़ा खोल देंगे। चाहे वो हमारी उम्र में हमसे बड़े हैं, चाहे वो औहदे में हमसे बड़े हैं, चाहे वो अनुभव में हमसे बड़े हैं, हम वो रिगार्ड देंगे। लेकिन हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण वहाँ भी यही होगा कि आप और मैं एक बराबर हैं। रोल ऊपर और नीचे होता है, सोल रोल अलग हो सकता है, सोल आज कुछ रोल है कल कुछ और रोल होगा, आज किसी के पास बहुत धन है कल अचानक चला जाएगा, आज किसी के पास बहुत ऊंचा औहदा है कल अचानक चला जाएगा। ऐसा भी आज के युग में हो सकता है कि जो भैया आज गेट पर खड़ा है वो कल कहाँ पहुंच जाएगा? वो चौथी मंजिल पे पहुंच जाएगा। और ऐसा भी होता है कि जो चौथी मंजिल पर है वो रोल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप देखो जब लोग रिटायर हो जाते हैं उनका रोल नहीं रहता है तो भी वो अपने रोल को क्या करते हैं, पकड़ के रखते, कहते मैं एक्स सो एंड सो हूँ। क्यों रोल को पकड़ के रख रहे हैं? क्यों अभी तक घर के बाहर वो रोल एक्स लिखा हुआ है? क्यों अभी तक विजिटिंग कार्ड पे वो रोल एक्स लिखा हुआ है? क्योंकि उनको लगता है रोल के लिए तो सम्मान मिलता है ना, अगर मेरा रोल नहीं रहा तो मेरे को तो कोई सम्मान नहीं देगा। ये कलयुग है, कलयुग में आत्मा आत्मा को सम्मान नहीं दे रही है, रोल रोल को दे रहा है, औधा औधे को दे रहा है। इसीलिए हम एक दूसरे से क्या होते गए, अलग 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 अलग।